BSS ऑनलाइन क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ्स। मैथ्स में आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल। हाफ ईयरली में मैंने पढ़ाया था ना ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल, वन डिजिट का, टू डिजिट का, आज हम लोग थ्री डिजिट का पढ़ेंगे। तो चलो, ग्रेटर मीन्स होता है बड़ा, लेस मीन्स कम, इक्वल मीन्स बराबर। ग्रेटर बड़ा, इक्वल इक्वल मीन्स हो जाता है इक्वल ऐसे बराबर। तो ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल, ग्रेटर में जिधर वो ऐसे रहेगा आ, एकदम बिल्कुल ऐसे रहेगा आ करके, जिधर का नंबर बड़ा हो जाएगा उधर आ करके खुलेगा। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल। तो 201, 305 इसमें कौन सा बड़ा है, ग्रेटर कौन सा है आपका? तो देखो, 205, यानी यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे थ्री डिजिट है। तो 201, 305, तो कौन सा नंबर बड़ा है, टू नंबर बड़ा है या थ्री नंबर बड़ा है? तो किधर मुंह खुलेगा, थ्री नंबर के साथ ना, तो ऐसे खुल जाएगा आ करके। यानी चॉकलेट, मैंने बताया था ना कि चॉकलेट अगर जिधर ज्यादा चॉकलेट होगा तो मुंह खुलेगा आ करके, और कम चॉकलेट होगा मुंह थोड़ा सा खुलेगा, इधर थोड़ा सा नंबर है, इधर ज्यादा नंबर है। अब इधर देखो 623, 321, अब कौन सा डिजिट बड़ा है आपका? चलो बताओ, सिक्स डिजिट बड़ा है या थ्री डिजिट बड़ा है? 623, 321, अब डिजिट आप बता दो कौन सा डिजिट बड़ा है, सिक्स डिजिट बड़ा है या थ्री डिजिट बड़ा है? मेरा सिक्स डिजिट बड़ा है ना, हम कैसे बोलेंगे उधर आ करके, अब देखो कम वाला हो गया आपका, तो इधर बंद हो गया, जिधर कम हो गया उधर मुंह बंद, जिधर ज्यादा नंबर हुआ तो उधर मुंह खुला आ करके खुला रहेगा। अब 501, 501 यानी सेम सेम नंबर, 501, 501, नंबर कैसा हो गया आपका, सेम सेम नंबर हो गया। तो सेम सेम नंबर हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वल, क्या हो जाता है आपका, इक्वल। नेक्स्ट आया 284, ये तो आप कर ही लोगे, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट आया 628, 528, तो सिक्स नंबर डिजिट बड़ा है या फाइव नंबर का डिजिट बड़ा है, अब ये आप जानना, और इसको अच्छे से खुद से सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मुझे वीडियो बना के सेंड करना है, और कॉपी में भी नोट करना। ओके, बाय।